हिंदू मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पक्षियों का राजा एवं भगवान विष्णु का वाहन है। गरुड़ कश्यप ऋषि एवं उनकी दूसरी पत्नी विंता की संतान है। गरुड़ पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति की दो पुत्रियां थीं कद्रु एवं विंता। दोनों का ही विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। कश्यप ऋषि से कद्रु ने 1000 नाग पुत्रों का एवं विंता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्रों का वरदान मांगा था। परिणाम स्वरूप कद्रु ने 1000 और विंता ने केवल 2 अंडों का प्रसव किया। समयानुसार कद्रु के अंडे फूटने पर उनमें से 1000 नाग पुत्र निकले, जिनमें शेषनाग सबसे पराक्रमी थे। किंतु विंता के अंडे उस समय तक फूटे नहीं थे। उतावली होकर विंता ने 1 अंडा खुद से ही फोड़ दिया। ऐसे में उससे निकलने वाले बच्चे का केवल ऊपरी अंग ही तैयार हो पाया था। उस बच्चे ने क्रोधित होकर अपनी माँ को श्राप दिया कि तुमने कच्चे अंडे तोड़ दिए, इसलिए तुम्हें 500 वर्ष तक अपनी सौत की दासी बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, दूसरे अंडे को समय पर ही फोड़ना। उस अंडे से एक अत्यंत तेजस्वी बालक होगा जो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर वो बालक आसमान में उड़ गया। वो बालक था अरुण, जो बाद में सूर्य भगवान के रथ का सारथी बना। समय आने पर विंता के दूसरे अंडे से महातेजस्वी गरुड़ की उत्पत्ति हुई। उनकी शक्ति एवं उनकी गति अद्वितीय थी। एक दिन कद्रु एवं विंता की दृष्टि समुद्र मंथन से निकले उच्च श्रवा नामक घोड़े पर पड़ी। कद्रु ने कहा कि उस घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विंता ने कहा कि उस घोड़े की पूंछ सफेद है। इस बात पर दोनों पर शर्त लगी कि जो गलत होगा वह अनंत समय के लिए दूसरे की दासी बन जाएगा। दोनों शर्त मानकर घोड़े की पूंछ देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन शर्त जीतने के लिए कद्रु ने चुपचाप अपने नाग पुत्रों को उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाने की आज्ञा दी, ताकि उसकी पूंछ काली दिखाई दे और विंता हार जाए। विंता की हार हुई और विंता ने हार मानकर कद्रु की दासी बनना स्वीकार कर लिया। समय बीता और बच्चे बड़े हुए। एक दिन कद्रु ने गरुड़ से कहा कि तुम मेरे दासी के पुत्र हो, इसीलिए तुम मेरे सर्प पुत्रों को घुमा लाओ। गरुड़ को इस बात पर बहुत क्रोध आया, किंतु उन्होंने सौतेली माँ की आज्ञा मान ली और सर्प पुत्रों को घुमाने ले गए। घुमाते हुए गरुड़ ने अपनी माता को दासता से मुक्त कराने की विनती की। इस पर सर्पों ने कहा कि अगर तुम इंद्र से अमृत छीन कर हमारे लिए ला दो, हम तुम्हारी माँ को दासता से मुक्त कर देंगे। शर्त मानते हुए गरुड़ ने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर अमृत छीन लाए। गरुड़ के पराक्रम को देखकर इंद्र बहुत प्रभावित हुए और गरुड़ से मित्रता कर ली। मित्रता हो जाने के बाद इंद्र बोले, मित्र, आप ये अमृत का घट मुझे वापस कर दीजिए, क्योंकि जिनके लिए आप ये ले जा रहे हैं वो स्वभावतः बहुत दुष्ट हैं। इस पर गरुड़ ने कहा, मुझे पता है, किंतु मैं अपनी माता को दासता से मुक्ति दिलाने हेतु ही इसे ले जा रहा हूँ। आप इसे वहाँ से वापस ला सकते हैं। यही उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हुई। भगवान विष्णु ने उन्हें वर दिया कि वो सदा उनकी ध्वजा में बने रहेंगे और साथ ही उन्हें अपना वाहन बनाया। इसके बाद वो अमृत घट उन्होंने सर्पों को दिया, जिनसे उनकी माता को दासता से मुक्ति मिली। लेकिन अमृत घट को एक कुशासन पर, यानी कुश के बने एक आसन पर रखा, जिसके बाद सर्प पवित्र होने के लिए स्नान करने चले गए और समय पाकर इंद्र ने वो घट वहां से चुरा लिया और वापस स्वर्ग ले आए। और तब से गरुड़ एवं शेषनाग शत्रु होकर भी भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।